सर डू यू एवर ईट स्ट्रीट फूड? या डेफिनेटली. आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है? गोलगप्पे. सबका ये सर. सर फैटी लीवर डिजीज जो है वो रिवर्स हो सकती है? यस, तो फैटी लीवर डिजीज रिवर्स हो सकती है अगर हम इनिशियल स्टेज पे उसको कैप्चर करें. दूसरा, हम कॉज को बिल्कुल स्टॉप कर दें. अगर हमारा कॉज है कि किसी दवाई से हो रहा है तो हम उस दवाई को बंद कर दें. अगर हमारा ओबेसिटी से हो रहा है, डायबिटिक से हो रहा है, लिपिड से हो रहा है तो हम उनको ट्रीट करें तो हमारा फैटी लिवर रिवर्स हो जाएगा. लेकिन अगर हमें फाइब्रोसिस डेवलप हो गई है, अगर हमारा सिरोसिस डेवलप हो गया, देन इट्स इसे रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है. लेकिन हमें उन फैक्टर्स को ट्रीट करना चाहिए ताकि हम इसकी प्रोग्रेशन को होल्ड कर सकें. बिल्कुल सर. सर लाइफस्टाइल चेंजेस टू मैनेज और प्रिवेंट आपने बताया ही है कि थोड़ा के दो कंपोनेंट है. पहला डाइट, ऑब्वियसली हमारी हाई कैलोरी डाइट जो होती है हम वो अवॉइड करें. फास्टिंग, इंटरमीटेंट फास्टिंग को हम यूज कर सकते हैं इस चीज में. हमारे कंटेंट्स ऐसा होना चाहिए जो हमारे लिवर फैट को और ओवरऑल बॉडी फैट को ना बढ़ाए. प्लस दूसरी चीज़ आती है एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज हमें रेगुलर एक्सरसाइज रखनी चाहिए ताकि हमारा जो कैलोरी डिपॉजिट है, जो हमारा फैट डिपॉजिट है, उसको हम रिड्यूस कर सकें. ठीक है. सो इनका कॉम्बिनेशन जरूरी है. एक ही चीज़ अगर हम करें दूसरी ना करें तो फिर काम नहीं कर पाते. बिल्कुल सर. सर आपने ट्रीटमेंट बताए जैसे कि जब हम बात कर रहे थे, सर और क्या क्या ऐसे मेडिकेशंस और ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है फैटी लिवर के लिए? सो जनरली ट्रीटमेंट ऑफ कॉज के अलावा कुछ मेडिसिन है, लाइक विटामिन ई हम देते हैं इसमें, साराग्लुटाजार करके मेडिसिन, ओरल मेडिसिन आती हैं. ये दो मेडिसिन हैं जिन पे मैक्सिमम जिन पे पेपर्स हैं और जो काफ़ी इफेक्टिव हैं. सो इन डिफरेंट स्टेज एंड डिफरेंट कॉमोरबिडिटी हम इन दवाइयों को देते हैं. लेकिन 70-80% लिवर डिजीज, फैटी लिवर डिजीज में हमें किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं. इट्स जस्ट अ डाइट लाइफ स्टाइल विच वी नीड टू इम्प्रूव. ओके सर, जैसे फैटी लीवर को लेकर एक माइंड में आता है कि ये जो इंसान है ये अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता होगा. yes. और दूसरा आता है कि ये ऑयली बहुत खाता होगा. बिल्कुल. तो ये भी एक रीज़न हो सकता है. सो यस, तो ये तो एक मैम कॉजेज हैं ही, लेकिन इनके अलावा जो इंडिपेंडेंट कॉज हैं जो मैंने बताया आपको, ड्रग इंड्यूस्ड या हमारा अदर डायबिटिक एंड अदर थिंग, तो वो भी होते हैं. बिल्कुल सर. सर ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम जानना चाहते थे. अगर हम रैपिड फायर पर आते हैं, सर रैपिड फायर में आपके बारे में कुछ हम क्वेश्चन जानना चाहते हैं. सर सबसे पहला, आई डोंट हैव फैटी लीवर. हाँ वी नो सर. सर लेकिन हम मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसा कौन सा लाइफस्टाइल टिप है जो आप करते हैं टू अवॉइड द अकरेंस ऑफ फैटी लीवर? सो डाइट एंड लाइफ स्टाइल एंड स्क्रीनिंग, दीज आर द टिप फॉर फैटी लीवर. सो डेट्स द समरी ऑफ एक्चुअली फैटी लीवर. सर डू यू एवर ईट स्ट्रीट फूड? या डेफिनेटली. आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है? गोलगप्पे. सबका ये सर. सर हाउ फ्रिक्वेंटली शुड अ फूडी ईट आउटसाइड? सो दे कैन ईट आउटसाइड बट दे शुड बैलेंस इट. दे शुड बी पर्टिकुलर इन कंटेंट्स एंड एज वेल एज दे शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज. इनफैक्ट मोर एक्सरसाइज व्हेन दे ईट आउटसाइड. सो इट इज अ बैलेंस, बेसिकली इट्स अ डेलिकेट बैलेंस. So I think they can enjoy eating as well as exercise at the same time. Exactly sir. Sir आपका favorite guilty pleasure वाला snack क्या है? Pizza. Okay sir. Okay तो sir ये था interview जिसमें मुझे लगता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा पता लगा है fatty liver के बारे में, तो हमारे जो viewers हैं उनको भी पता लगा होगा. And thank you so much sir for your time and for your this great interview. Sir जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप हमारे जो viewers हैं उनको कुछ advice दें. सो सबसे पहले तो जो टॉपिक चुना फैटी लिवर, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम जानते हैं कि विद द टाइम फैटी लिवर एक मेजर एपिडेमिक बन रहा है इंडिया में. एंड इनफैक्ट जो पहले हम बोलते थे, जैसे मैडम ने बताया कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज कॉमन होता था, बट नाउ इट इज NAFLD, मीन्स नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज इज मोर कॉमन देन अल्कोहलिक लिवर डिजीज. सो इट्स ए प्रिवेंटेबल एज वेल एज ट्रीटेबल. सो अगर हम डाइट लाइफ स्टाइल का ध्यान रखें, हम मेडिसिन इधर उधर की ना खाएं, तो प्रॉबेबली, एंड अगर हमारी रेगुलर दिनचर्या ठीक रहती है तो प्रॉबेबली हम इसको अवॉइड भी कर सकते हैं. एंड यस, अगर ये डेवलप होती है तो हम इसको अर्ली स्टेज पे पकड़ के इसका इलाज भी कर सकते हैं. बिल्कुल सर. थैंक यू सो मच सर वंस अगेन. इट वॉज अ ग्रेट इंटरव्यू.